12 today assembly has been connected by the RS Poly School Bamia duty by 9th class pledge by Guru prayer by Komal. Attention standard D, attention prayer position start. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा India is my country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and wealth heritage. I shall always try to worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates and elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity along with my happiness. Jai. श्री अकाल, मैं आज आपको गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी हाँ। मेरा पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी दी यात्रावां नु की कहा जाता है? सही उत्तर उदासियां। मेरा दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के समय लंका का राजा कौन सी? गुरु नानक देव जी के समय लंका का राजा कौन सी? कोई और जमात? सही उत्तर है शिवनाथ। मेरा तीसरा प्रश्न है, नानकाना साहिब कितने स्थित है? नानकाना साहिब कितने स्थित है? सही उत्तर पाकिस्तान। मेरा चौथा प्रश्न, गुरु नानक देव जी का संबंध केड़े परिवार नाल सी? गुरु नानक देव जी का संबंध केड़े परिवार नाल सी? कोई और जमात? सोडी परिवार नाल। मेरा पंजवा प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किस उम्र विच हिंदी अते गणित दी सिक्ख्या प्राप्त कर गए? गुरु नानक देव जी किस उम्र विच हिंदी अते गणित दी सिक्ख्या प्राप्त कर गए? सही उत्तर 7। मेरा छेवां प्रश्न है, गुरु नानक देव जी नु सुल्तानपुर लोधी विच किन्ने साल दी उम्र विच भेजिया गया? गुरु नानक देव जी नु सुल्तानपुर लोधी किन्ने साल दी उम्र विच भेजिया गया? कोई होर जमात? ठीक उत्तर 20 वर्ष। मेरा सतवां प्रश्न है, गुरु नानक देव जी नु कुल किन्ने समय यात्रावां कीतियां? गुरु नानक देव जी ने कुल किन्ने समय यात्रावां कीतियां? कोई होर जमात? 21 साल। मेरा अठवां प्रश्न है, पहली उदासी विच कौन गुरु नानक देव जी नाल सी? गलत उत्तर। सही उत्तर है भाई मर्दाना। मेरा नौवां प्रश्न है, गुरु नानक देव जी समय पंजाब दा पंजाब ते किस दा राज सी? गुरु नानक देव जी दे समय पंजाब ते किस दा राज सी? कोई होर जमात? सही उत्तर है दौलत खान लोधी। मेरा दसवां प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने बाबर के तीजे हमले का वर्णन किस शास्त्रा विच किया है? गुरु नानक देव जी ने बाबर के तीजे हमले का वर्णन किस रचना विच किया है? कोई होर जमात? इसका उत्तर है बाबर बाणी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा आज का विषय श्री गुरु नानक देव जी पर है। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के संस्थापक थे, बेहद सिखों के पहले गुरु थे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रायपुर की तलमंडी में हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम श्रीपता था। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलक्षणी जी के साथ हुआ। इनके दो पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। धन्यवाद। सत श्री अकाल, मैं थानू गुरु श्री गुरु नानक देव जी जीवन बारे कुछ दसना चाहती हूँ। श्री गुरु नानक देव जी सिखा के पहले गुरु सन। उन्होंने जन्म 15 अप्रैल 1469 होया पाकिस्तान विखे होया। मैं उन्होंने पिता का नाम मेहता कालू है, माता जी का नाम तृप्ता देवी थी। बचपन तो आप प्रभु भक्ति में बहुत लीन रहते सन। आप जी के पिता ने आपको 20 रुपये सच्चा सौदा करने लिए दिता। आपने उन्हां रुपया नाल भुखे साधुओं को भोजन कराया अते सच्चा सौदा करके घर परताए। आपने आप जी का ब्याह
बीबी सुलखनी नाल होया। आपके घर दो पुत्रा ने जन्म लिया जिन्हों का नाम बाबा श्री चंद ए बाबा लक्ष्मी दास से। आप नूं भैन नानकी दे कोल भेज दिता। इत्थे आप ने नवाब दौलत खान कोल नौकरी की। आप ने अपने जीवन विच दुनिया के उदार लिए चार उदासियां लिखिया। आप 1539 ज्योति जोत समा गए। आप जी बाणी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एकंत है। आप ने सच धर्म नेकी अते प्यार का उद्देश दिता है। धन्यवाद। मेरे वालों सत श्री अकाल। मैं आज तुहाड़े सामने श्री गुरु गुरु नानक देव जी द्वारा की पहली उदासी के कुछ स्थानों की यात्रावां बारे दसना चाहती हाँ। पहली सैदपुर विच गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी विच सब तो पहला सुल्तानपुर तो सैदपुर पहुँचे। इस स्थान नूं अजकल अहमदाबाद के नाम नाल जानिया जाता है। इत्थे पहुँचन के मलिक पागो जो कि उस पिंड का जिम्मेदार सी उसने गुरु साहिब नूं एक दिन ब्राह्मण भोज से सद्दा दिता ते गुरु जी ने इनकार कर दिता। वह एक गरीब तरखान के घर ठहरे। इस जदों इस मलिक पागो नूं पता लगे तो उसने इस नूं अपना भारी अपमान समझिया। जदों उसने इस संबंधी गुरु साहिब तो पूछया कि तुसी मेरे घर क्यों नहीं आए, तो गुरु साहिब ने एक हाथ में मलिक पागो की रोटी तो एक हाथ में गरीब तरखान लालो की रोटी नूं रख्या तो जोर के कुटिया तो मलिक पागो की रोटी विचों लहू निकलिया अते लालो की रोटी विचों दूध निकलिया। इस दौरान सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि सानू पाप की कमाई नहीं बल्कि दसा नुहां की कीरत करनी चाहिए है। धन्यवाद। बाबा नानक जम्मिया जिस वेले अपने माँ ते प्यो दी तीर बनिया। भैन नानकी दा ओह वीर सोहना निकला जिहा सी वीर बनिया। उहने मुख उचारे शब्द जिहड़े जुल्म